नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आज लेकर आए हैं हम एक नया वीडियो कि डीएमई की जो सीट है सेकंड काउंसलिंग में कितनी होगी, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, 25 तक बच्चों के जो ज्वाइनिंग है वो अलॉटमेंट लेटर जहाँ मिला है वो कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद ही पता चलेगा कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया है, सीट खाली है। और कुछ सीटें तो इसलिए भी खाली है कि फ्रीडम फाइटर वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के उतने स्टूडेंट नहीं मिले हैं, या उतने स्टूडेंट ने अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करवाए तो उन स्टूडेंट की सीट खाली है। जैसे कि समथिंग 50 से 60 सीटें जो खाली है, क्योंकि ये अदर जैसे हैंडीकैप स्टूडेंट है, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वाले स्टूडेंट है, उनकी सीटें, ये सीटें तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए रहती है, कन्वर्ट नहीं की जाती है। बट अगर ये कन्वर्ट होती है तो चांसेस है कि सीटें और बढ़ सकती है। और बात करें कि डीएमई के सेकंड काउंसलिंग में सीट कितनी होगी, तो देखिए सेकंड काउंसलिंग में सीट बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ रीजन है सिन रीजन के कारण स्टूडेंट, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो डीएचएस का वेट कर रहे हैं। फिलहाल तो डीएचएस का ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि अभी कुछ तो आया नहीं है, अगर कुछ आता है तो जरूर अपडेट देंगे। पर अभी जो डीएमई में जो स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग करवाए हैं, मेरा तो एक ही कहना है सभी स्टूडेंट से, अगर आपको कहीं अलॉट हुआ है तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिल रही है। वो लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, नहीं तो आपकी फ्री ही बीएससी नर्सिंग होगी। ओके गाइस, बात करते हैं डीएचएस की सीट। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मनपसंद जगह नहीं मिली है, तो चांसेस है कि वो स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्शन ना ले। और कुछ फीस का भी है कि फीस कम ज्यादा है, कहीं ज्यादा फीसें हैं इसलिए भी बच्चे सोच रहे हैं कि रैंक अच्छी है तो अपना डीएचएस में हो जाता तो अच्छा रहता। तो रिस्क लेने के लिए भी कुछ बच्चे तैयार हैं, तो अगर बच्चे रिस्क लेते हैं तो चांसेस है कि जो नीचे वाले जो स्टूडेंट है जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा है तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं कि अगली जो काउंसलिंग हो उसमें अगर सीट बढ़ के आती है तो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आगे। और जैसे कौन कौन से बच्चे जो सेकंड काउंसलिंग में भाग लेते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें अलॉट हुआ है कि आपको सपोज इंदौर का कॉलेज मिला है और आपको ये सही नहीं लग रहा है, आपकी रैंक अच्छी है, आप चाह रहे हैं कि मुझे भोपाल चाहिए, अगर भोपाल में आपकी कैटेगरी की जगह खाली है तो आपको सीट जरूर मिलेगी। अगर सीट खाली नहीं है और आप फॉर डालते हो तो आपके हाथ से दोनों जगह की सीट जाएगी, मतलब कि इंदौर आप दोबारा ज्वाइन करने का सोचोगे तो नहीं मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सीट अलॉट हुई थी ओनली, तो उन बच्चों को सेकंड काउंसलिंग डालने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। और नए स्टूडेंट तो ऐसे हैं वो अपनी अगर उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग डाले हैं तो सेकंड काउंसलिंग अपडेट करवा सकते हो। तो ऐसा है, अगर किसी ने ज्वाइन किया है और उसके बाद वो वहां से ज्वाइनिंग करने के बाद, मतलब कि आपको मिला है सेंटर, आपने ज्वाइन किया है, उसके बाद आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ना ही डीएचएस की करवा सकते, ना ही डीएमई की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। ओके गाइस, बात कर लेते हैं और सेकेंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही, तो आप सभी को पता है 1/2/2023 मतलब फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट है जो कट ऑफ के आसपास है तो वो बच्चे अपना मतलब कि अपनी काउंसलिंग अपडेट करवाए, या फिर काउंसलिंग नहीं किए हैं तो काउंसलिंग करवा लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, फीस तो कम ज्यादा सभी जगह ही है तो फीस जो रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, और डीएचएस की अपडेट जैसे ही आती है तो हम जरूर आप तक फर्स्ट भेजेंगे। ओके गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।